क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। दिव्यांगों के लिए हाथ पैर जैसे कृत्रिम अंग या आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाने के लिए एक एक व्यक्ति पर लाखों रुपए तक खर्च होते हैं, पर एक जगह ऐसी भी है जहां ये सब बिल्कुल निःशुल्क है, एब्सोल्युटली फ्री। कृत्रिम अंगों के साथ साथ समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके पुनर्वास का भी प्रबंध करने वाले इस पवित्र स्थान का नाम है जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र मुरादनगर। यह श्री मनशापूर्ण महावीर जिनालय या जैन मंदिर दरअसल 20 एकड़ परिसर में बने जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र से संबद्ध है। यूपी में गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में स्थित इस अस्पताल का उद्देश्य है विकलांगता पर विजय। जैन समाज मिलके एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल बने जहां से हम इस देश से, विश्व से विकलांगता को दूर कर सके। इसी उद्देश्य से जैन आचार्य सौरभ सागर जी की प्रेरणा से फरवरी 2010 में सौरभ सागर सेवा संस्थान का गठन हुआ। फिर इसी संस्थान द्वारा मई 2019 में जीवन आशा अस्पताल की स्थापना हुई। आज यहां 4 मंजिला इमारत में 100 बिस्तरों वाला आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल चल रहा है। खास बात यह है कि यहाँ जो है ये निःशुल्क जो है ये उपकरण दिए जाते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ जो है हर जाति का, हर तबके का लोग जो है वो आ सकता है। पैसे तो मैं सुना कि आके बराबर ही दिए जाते हैं, पर्ची कटती वो तो बाकी तो किसी का किसी के निःशुल्क, सब किसी फीस ही नहीं कुछ। चाहे हादसे में अपना एक पैर गंवा चुके जय कुमार हो या एक सड़क दुर्घटना के बाद अपने दोनों पैर से हाथ धो चुके महेश पाल, जीवन आशा अस्पताल इन जैसे अनेक दिव्यांगों की जिंदगी का अंधेरा दूर कर रहा है। जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया था, लेकिन मैंने यहाँ नज़दीक में पता लगा के जीवन आशा हॉस्पिटल यहाँ भी खुला है, तो तभी मैं एकदम आया और मैंने पैर भी लगाया गया, तो जी मेरी जिंदगी नई जीने का पूरा मौका मिला। आज मैं अपनी खेती, अपने बच्चों के साथ पूरा बढ़िया गुजर कर रहा हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल बेकार ही था, दोनों पैर नहीं है जी मेरे, आप देख सकते हैं, तो यहाँ के दोनों पैर लगते ही, और मैं अपना उस दिन से ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और आज तक मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं अपना आप ही चलता हूँ, सब कुछ काम करता हूँ, अपना रोजगार कर रहा हूँ और अपने बच्चों का भरण पोषण आराम से कर रहा हूँ। यहाँ की समर्पित और निःशुल्क सेवा की बदौलत आज जय कुमार और महेश पाल जैसे सैकड़ों हजारों दिव्यांग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। भला हो इस जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र का। बीते 2-3 सालों में ही दिव्यांगों सहित करीब 25,000 मरीजों का यथोचित इलाज कर चुके इस जीवन आशा अस्पताल में सभी समुचित सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यूं तो जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र में विशेष ध्यान रहता है दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग देकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करने का, पर साथ ही किसी भी अन्य अस्पताल में उपलब्ध सारी चिकित्सकीय सुविधाएं भी यहां मौजूद हैं, वह भी पूर्णतया सेवा भाव से। लगभग 50-70 पेशेंट प्रतिदिन ओपीडी में हमारे यहां आ रहे हैं, जिसमें हमारे यहां ओपीडी है, आँख की, कान की, ENT के डॉक्टर बैठते हैं, एक जनरल डॉक्टर बैठते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बैठते हैं, और यहाँ पर जो है स्पीच थेरेपी का भी हमने कार्यक्रम चलाया हुआ है। जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको फैसिलिटी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ मोटा पैसा भी कमाया जाता है। जीवन आशा हॉस्पिटल में हम ये जो हॉस्पिटल खोला गया है ये किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेवा भाव से। यहाँ के सेवा भाव और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा के पीछे 5 T वाला मंत्र है, टीम वर्क, टेस्टिंग,
टॉलरेंस ट्रेनिंग एंड टेस्टिमोनियल्स। सबसे बड़ी बात, किसी भी संस्था का सफलता का सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो टीम वर्क होता है, और हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ का सपोर्ट है, जिसकी वजह से जो है हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ पर जगह ऐसी है जहाँ पर पेशेंट को देखने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ये पूरे गांव जितने भी आसपास में हैं सब जगह से पेशेंट आते हैं यहाँ पर, और पेशेंट जब दुआ देके जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मरीजों की दुआओं के पीछे ठोस कारण हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की अद्भुत सेवा भाव के साथ ही यहाँ एक्सरे सहित आधुनिकतम जांच सुविधाएं भी लगभग निःशुल्क उपलब्ध हैं। लगभग 3 साल में ही हजारों दिव्यांगों सहित करीब 25,000 मरीजों का इलाज यहाँ हो चुका है। अच्छे जो हमारे यहाँ के ट्रस्टीगण हैं, जो इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह ऐसा नहीं है, दूसरी जगह ऐसा नहीं होता। अगर कहीं पर है भी ऐसे, कुछ शाखाएँ खुली हुई हैं कहीं कहीं पर, लेकिन वो इतने अच्छे अंग दिव्यांग लोगों को उपलब्ध नहीं कराते। स्पष्ट है कि मुरादनगर का यह जीवन आशा अस्पताल और पुनर्वास केंद्र पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। यहां दिव्यांगों को जितने भी कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं सब विश्व स्तरीय है, मैचिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके लिए यहां एक विशेष प्रोस्थेटिक्स विभाग तो है ही, साथ ही विश्व स्तरीय कृत्रिम अंग बनाने के लिए इनका अपना एक वर्कशॉप भी है। कहीं कृत्रिम अंग बनाने के लिए मरीज के कटे पैर का नाप लिया जा रहा है, तो कहीं कृत्रिम अंगों के निर्माण की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया जारी है, और कहीं तैयार हो चुके उन कृत्रिम अंगों के इस्तेमाल कर सकने के लिए दिव्यांगों का विधिवत अभ्यास। यह है जीवन आशा अस्पताल का सबसे अहम विभाग, प्रोस्थेटिक्स एंड रिहैब डिपार्टमेंट। प्रोस्थेटिक एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है ये, जिसके अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग, अन्य सभी तरह के दिव्यांगों को लगाते हैं। इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी दो कैटेगरीज आती हैं। दरअसल मरीजों की दिव्यांगता के आधार पर इनकी दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं। एक लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी जिनके पैर का कोई हिस्सा कटा हुआ हो, और दूसरा अपर एक्सट्रीमिटी, यानी जिनके हाथ का कोई हिस्सा कटा हुआ हो। इन दो श्रेणियों में भी कुछ उप श्रेणियां हैं, जैसे पैर घुटने से नीचे या घुटने के ऊपर से कटा होना, या हाथ कोहनी से नीचे या कोहनी के ऊपर से कटा होना इत्यादि। जैसे महेश का पैर घुटनों के ऊपर से कटा है, ट्रैक्टर से खेत जोतते समय वो हादसा हुआ था। उतर रहा था तो भाई ने चला दिया, उसमें गिर गया खेत जोतते हैं पीछे हैरों में, फिर कट गया। हाथ पैर कटने या अंग भंग होने के अनेक कारण हो सकते हैं, सड़क हादसे में, ऊंचाई से गिरने से, कारखानों या कृषि कार्यों में, गोली या बम से, या फिर कैंसर या डायबिटीज जैसी बीमारियों से। कार वालों ने एक्सीडेंट कर दिया था, उसके बाद मेरा हॉस्पिटल में एम्पुटेशन कर दिया गया, और रोड क्रॉस करते समय मैंने अपना पैर खो दिया था। मेरा यह हादसा ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा सलिया लगा था पैर में, तो सलिया लगाने के बाद कैंसर हो गया था, ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, जिसके कारण मेरा राइट लेफ्ट पैर कट गया था। अंग भंग के चाहे जो भी कारण हो, पर उनके कृत्रिम अंग बनाने की प्रक्रिया एक ही है। वह प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी होती है। असेसमेंट या दिव्यांगता का शुरुआती आकलन, कास्टिंग यानी नाप लेकर कृत्रिम अंग का ढांचा तैयार करना, मॉडिफिकेशन या ढांचे के अनुरूप कृत्रिम अंग को ढालने की शुरुआत, फैब्रिकेशन या उस कृत्रिम अंग का स्वरूप निर्माण, अलाइनमेंट यानी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग को अंतिम रूप देना, और अंत में गेट ट्रेनिंग, जिसके तहत दिव्यांग को उसके कृत्रिम अंग का इस्तेमाल करने का अभ्यास कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 7 दिन तक लगते हैं। ये हटता नहीं है, ये इसके साथ ही पेशेंट को कंफर्ट देता है।
इनर सॉकेट, ये दोनों एक ही साथ आप मान सकते हैं, एक ही पार्ट है। तो आपके हाथ में फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और पीछे बन रहे हैं वो तैयारी हो रही है? जी, मेरे हाथ में ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, आप जो नीचे देख रहे हैं वो दोनों अभी प्रोसेस में तैयारी चल रही है। अभी ये क्या प्रक्रिया चल रही है जो आपके पीछे, जो आप पीछे देख रहे हैं इसमें गेट ट्रेनिंग कहा जाता है। गेट ट्रेनिंग 2 से 4 दिन का अलग हिस्सा होता है जिसमें हम रोज पेशेंट को 1 से 2 घंटे सुबह, 1 से 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। इधर फिरोजाबाद की विनीता जैन अपनी गेट ट्रेनिंग में जुटी हैं, तो उधर सहारनपुर के तेजपाल सिंह भी अपने नए अंग से अभ्यस्त हो रहे हैं। हादसा पहले तो किसी के साथ होना, अगर भगवान और जिसके साथ उसको हिम्मत दे और ऐसी जगहों का पता चले जो आकर के अपने यहाँ पर यह कृत्रिम अंग बनवाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। कहते हैं बिल्कुल निःशुल्क है, पैसे वगैरह नहीं लेते? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क, बिल्कुल कोई पैसा नहीं, खाना भी मिल जा, सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृत्रिम अंग लगाने के लिए एक एक व्यक्ति पर लाखों रुपयों तक खर्च होता है। शुक्र है दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाने वाले इस जीवन आशा अस्पताल का कि अब धन के अभाव में लोग जीवन भर अपंग रहने को मजबूर नहीं होंगे। यहां जीवन आशा में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के साथ साथ इनके पुनर्वास का भी प्रबंध किया जाता है। इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास होता है। कहीं दिव्यांगों को फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों की कोचिंग, तो कहीं बागवानी और कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे कौशल विकास का प्रशिक्षण। ये सब भी जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र के अंग हैं। हावड़ा के पंचानन और गोरखपुर के सलमान जैसे अनेकों दिव्यांग इनसे अपना जीवन संवार रहे हैं। क्या काम सिखा रहे? जैसे कि पेड़ काटना, ऊपर से पेड़ कैसा गार्डनिंग करने के लिए हमको काम सिखा रहा है जीवन आशा हॉस्पिटल में। तो आप खुश हैं कि आगे का जीवन आपका ठीक चलेगा? हाँ, आगे मेरा जीवन खुश चलेगा, हम खुश हैं बहुत। मैं जीवन में उम्मीद हार चुका था और उसके बाद मुझे जीवन आशा हॉस्पिटल के बारे में पता चला, तब मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा एक पैर मिल गया और मैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग लूँगा और अपने रोजगार को आगे बढ़ाऊँगा। हम उनको डांस की भी ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ सिलाई की, कढ़ाई की वो भी ट्रेनिंग दी जाती है। जो घरेलू उद्योग होते हैं छोटे छोटे, जैसे दिए बनाने, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसका भी हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, वो सिखाया जाता है यहाँ पर। इन सब गतिविधियों से स्पष्ट है कि यहाँ जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र में जरूरतमंद दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों के साथ साथ उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार यथोचित विधाओं में प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देकर सचमुच उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। उन दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का समुचित प्रयास होता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे यहां से कृत्रिम अंग पाने वाले कुछ दिव्यांगों की सफलता की कहानियां। देखते रहिए क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी भी संस्था के लिए उत्सवों और समयानुकूल आयोजनों का विशेष महत्व होता है। यह नियम इस जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र पर भी लागू है। प्रणाम गुरुवर, ना हम है कोई निर्धन, ना ही अब कोई दुख है। हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के आसपास प्रत्येक वर्ष जीवन आशा अस्पताल में सक्षम नाम से एक वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन होता है। उस उत्सव में
दिव्यांगों को सक्षम मानकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ क्रिकेट, बैडमिंटन और विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। इन सब में यहीं से कृत्रिम अंग पाए दिव्यांग अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार हर वर्ष 1 जुलाई को यहाँ नेशनल डॉक्टर्स डे को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। उसमें वृक्षारोपण पर खास जोर रहता है, साथ ही साथ दिन रात सेवा में जुटे डॉक्टरों को सम्मानित भी किया जाता है। आवश्यकता पड़ते ही जीवन आशा अस्पताल किसी भी सामाजिक गतिविधि हेतु सदैव तत्पर रहता है, जैसे कोरोना काल में यहां लगाया गया निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप। कोरोना के टाइम में हमने जो है लगभग यहां पर 30,000 से 40,000 वैक्सीनेशन भी किया है, तो उन वैक्सीनेशन में जो है यहां पर एक दिन में 300-400 वैक्सीनेशन किया। वैक्सीनेशन का सारी टीम हमारी रहती थी और वैक्सीनेशन हमें जो है सरकार ने प्रोवाइड कराई थी। जीवन आशा अस्पताल का स्थापना दिवस समारोह भी हर वर्ष 20 मई को धूमधाम से मनाया जाता है। मानो समस्त जीवन आशा अस्पताल परिवार विकलांगता को दूर करने के अपने यज्ञ में ऊपर वाले से आशीर्वाद मांग रहा हो। The taste of the pudding lies in its eating. हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अंग्रेजी और हिंदी में अनेकों ऐसी कहावतें हैं जिनकी कसौटी पर कसने पर यह जीवन आशा अस्पताल और पुनर्वास केंद्र बिल्कुल खरा उतरता है। अपने दोनों पैर खो चुकने के बावजूद शान से चलते महेश पाल सहज रूप से साइकिल चलाते, सतीश चौहान विश्वासपूर्वक स्कूटी संभाले, मुकेश कुमार और तो और ट्रेडमिल पर व्यायाम करता गौरव। नियमित जॉब फेयर के जरिए जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र ऐसे सैकड़ों दिव्यांगों को सक्षम बनाकर नौकरियां भी दिलवा चुका है। लगभग हम 250 से 300 लोगों को उन कंपनियों में जॉब दिलवा चुके हैं जो यहाँ से कृत्रिम अंग ले जी जिन्हें कृत्रिम अंग हुए। ऐसे ही हम जॉब फेयर्स अभी तक हम 3 बार जॉब फेयर कर चुके हैं जिसमें विभिन्न कंपनियाँ आती है, 15 से 20 कंपनियाँ हैं। फ्लिपकार्ट है, इंडिगो है, इन्फोसिस है, जेनेसिस है, KFC है, बार्कलेज है। ऐसे जॉब फेयर्स में इन दिव्यांगों को कितनी तनख्वाह पर रखा जाता होगा? उसमें मैक्सिमम अभी तक 65,000 रुपये प्रति माह की सैलरी पे अपॉइंट हुआ है, लेकिन मिनिमम जो है वो 15,000 रुपये प्रति माह है। तो मैं समझता हूँ एक दिव्यांग व्यक्ति जो जीवन से हताश या निराश हो चुका था, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आया, वो यहाँ उनके आशीर्वाद से उसे अंग मिले कृत्रिम अंग, और अगर उसे 15,000, 20,000, 25,000 की भी सैलरी मिल रही है तो वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। फिर रजनी और वैश्वी जैसे कुछ दिव्यांग तो ऐसे हैं जो निःशुल्क कृत्रिम अंग लगवाने के बाद यहीं जीवन आशा अस्पताल में कार्यरत भी हैं। हाँ सर, मोमेंट करता है और मेरे माइंड से सोचती हूँ तो ये हैंड मोमेंट करता है। हाँ सर, और मैंने MCOM की हुई है, MCOM कंप्लीट और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ भी सर, जॉब के लिए यहाँ से ऑफर गया था मुझे और यहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट के जॉब कर रही हूँ। मैं मेरा घुटने के ऊपर से एक पाँव कट कर दिया और एक पाँव में रॉड लगा दिया गया। उसके बाद कुछ महीने बाद मैं जीवन आशा हॉस्पिटल में आई और प्रोसेसेस लगवाए अपना, और फिर मुझे यहाँ पे जॉब का ऑफर मिला और मैंने अपने यहाँ जॉब स्टार्ट कर दिया। और साथ यानी केवल आपको अंग ही नहीं मिले बल्कि रोजगार का भी इंतजाम हो गया। यस सर। फिर जय कुमार, महेश पाल और प्रिंस कुमार की मस्ती का आलम तो ऐसा मानो वो दिव्यांग हो ही ना। इनका विश्वास और इनकी खुशी देख शायद कोई सोच भी ना पाए कि इनमें से किसी का एक तो किसी के दोनों पैर कटे हुए हैं। मैं मेहंदी का काम करता हूँ, मुझे 7 साल हो गए मेहंदी आर्टिस्ट हूँ मैं, और अपने इस पैर को लगने की वजह से मैं और भी ज़्यादा कंफर्टेबल काम कर रहा हूँ अपना और बेनिफिट से। बहुत बढ़िया, मेरी पूरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।
यहाँ विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं इस अस्पताल के संचालन से जुड़े जैन समुदाय के लोग, जो लगातार आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। साथ ही कई बड़ी कंपनियों के CSR फंड से भी इन्हें मदद मिलती है। भगवान करे कि यह जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र यूं ही दुनिया से विकलांगता को दूर करने की अपनी मुहिम में अनवरत जुटा रहे। बीते 2-3 सालों में ही हजारों दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध करा चुके और उन सबको समाज की मुख्यधारा में लाने के अथक प्रयास में जुटे जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र के बारे में विस्तार से जानकर स्वाभाविक है बोल उठना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।